हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुष और आप देख रहे हैं सबको रिटर्न सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपका भी अगर यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिसेबल डिलीटेड या दोस्तों बैन हो गया परमानेंटली, तो आप दोस्तों किस तरीके से अपने जो अकाउंट की सारी वीडियोज है और जो फोटोज है और जो पोस्टेस है और जितनी भी यहाँ पर आपकी जो चैट्स है उनको आप किस तरीके से इजिली रिकवर कर सकते हो, दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जिन लोगों का अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो उनके फोटोज से जो पर्सनल फोटोज होते हैं या किसी के भी अकाउंट में पर्सनल फोटोज और यहाँ पर पुरानी जो भी फोटोज होते हैं फैमिली मेंबर्स के, दोस्तों के, फ्रेंड्स के, तो वो दोस्तों का जब हमारा अकाउंट डिलीट हो जाता है तो कोई भी उन फोटोज को यहाँ पर नहीं देख पाता और ना ही हम खुद ही उन फोटोज को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट डिलीट हो जाता है तो उसके बाद उनको रिकवर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी इजी वे बताने वाला हूँ जिसका अगर दोस्तों आप यूज करते हो, अगर आपका भी अकाउंट डिलीट परमानेंटली हो गया है, यूजर नॉट फॉर्म दिखा रहा है, जब आप प्रोफाइल फॉर्म भरने जा रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो गया, उसे कोई भी नहीं देख सकता और वो परमानेंटली डिलीट है, मतलब कभी भी रिकवर नहीं हुआ। तो उसमें उसमें जो भी आपके पुराने फोटोज हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है वो तो बीत जाता है लेकिन हम फोटोज के थ्रू जो है अपनी ओल्ड मेमोरीज को यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो जितने भी फोटोज वीडियोज और आपके चैट्स जो होंगे वो यहाँ पर इजिली बैकअप हो सकते हैं अगर दोस्तों आप यहाँ पर इस ईजी वे का यूज़ करते हो। तो दोस्तों वीडियो पर बने रही लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर अपने सारे फोटोज वीडियोज और जितने भी चैट्स इंस्टाग्राम की अगर आपका अकाउंट डिलीट हो गया परमानेंटली तो उसको रिकवर कर सकते हो इजीली। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बात करते हैं आज के हमारी टेक की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी चैट्स, फोटोज, वीडियोस किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, आपको खोलना है अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका मतलब वो जो लिंक है वेबसाइट का वो आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली डालना है इंस्टाग्राम डाटा डाउनलोड, इस तरीके का आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है। फर्स्ट ही वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई यहाँ पर फेक नहीं है और कोई भी यहाँ पर मतलब फेक वेबसाइट ये नहीं है, ये दोस्तों रियल इंस्टाग्राम की वेबसाइट है ऑफिशियल, जिससे आप अपने सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके इंटरफेस पर आओगे, आप यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा अपनी इंस्टाग्राम जानकारी एक्सेस करना और उसे डाउनलोड करना। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टाग्राम आपका, आपको अपनी जानकारी एक्सेस करने, डाउनलोड करने और उसे किसी दूसरे सेवा पर ट्रांसफ़र करने के तरीके प्रदान करता है, मतलब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डाटा को एक्सेस करना है, आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है या उसको डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करना पड़ेगा डेटा एक्सेस पर करना है क्लिक, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसको क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम, मैं अपनी इंस्टाग्राम जानकारी एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी जानकारी डाउनलोड करना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसे अकाउंट को डिलीट करना रीएक्टिवेट है जो मेरी नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट में वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर मिलेगा आई डोंट हैव इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई वॉन्ट टू एक्सेस माई डाटा, मतलब मेरे पास कोई अकाउंट नहीं इंस्टाग्राम का और मुझे जो है उस अकाउंट के डाटा का एक्सेस चाहिए, मतलब मुझे उस अकाउंट की जितनी फोटोज हैं वीडियोज़ हैं वो सारी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इस पर करना है टिक, इस पर टिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म भर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको पूरे नेम में क्या देना है, आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का जो नेम है, ठीक है, यूज़र नेम नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिए नेम, जैसे कि दोस्तों मेरा नेम जो है वो ये है और मेरा यूज़र नेम ये है, तो आपको सबको पता होगा कि आपके अकाउंट का जो यूज़र नेम था वो क्या था, मतलब सॉरी जो नेम था वो क्या था। आपको सिंपली जो नेम है उसके यहाँ पर डाल देना है, मैं सिंपली यहाँ पर दिखाने के लिए डाल देता हूँ अनस खान, ठीक है। आप अगर वो अगर स्टाइलिश में लिखा हुआ था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल डाल सकते हो, बस आपका नाम सही होना चाहिए। देश चुने, यहाँ पर आपको करना है क्लिक, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देश चुने पर करोगे क्लिक, आपको यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करना है या दोस्तों आप जिस भी कंट्री में रहते हो आपको सिंपली उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ मेरा जो कंट्री है इंडिया वो कहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कहाँ गए, इंडिया भारत, ठीक है, सॉरी भारत है यहाँ पर लिखा हुआ। तो आप जिस भी कंट्री से रहते हो यहाँ पर आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे ईमेल में आपको करना पड़ेगा आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड जो भी ईमेल आईडी थी उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए, मैं यहाँ सिंपली जो मेरी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। तो आपके यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर थी उसको सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है रजिस्टर, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी जो है एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ कोई सी भी, ठीक है, ये ईमेल आईडी मैंने अपनी एंटर कर दी। उसके बाद आपको करना पड़ेगा नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है मैं सहमत हूँ पर, उसके बाद आपको सिंपली कर देना है भेजे पर क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कर देते हो क्लिक, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको करना है 24 आवर्स का वेट, ठीक है, वेट 24 आवर्स का वेट करोगे। वैसे यहाँ पर मैंने जब ये
कल ये मेल किया था, तो मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर एक इंस्टाग्राम की तरफ से ही इस तरीके का आपके पास मैसेज आ जाएगा, 24 आवर्स के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। ये 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर किया था मैसेज, मैंने ट्राई किया था कि यहाँ पर मेल आता है कि नहीं, तो यहाँ पर मुझे 10 से 15 मिनट के बाद ये मेल मिल गया था। तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1-1.5 घंटा, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। इस तरीके का मेल मिलेगा आपके, जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर उसके अंदर एंटर किया था फॉर्म भरते टाइम, उस पर एक मेल आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, नमस्ते, इंस्टाग्राम पर आपने निजी डाटा का अनुरोध करने के लिए धन्यवाद, हम आपसे अनुरोध की समीक्षा करेंगे और आप जितना जल्दी हो सके जवाब देंगे। मतलब इंस्टाग्राम टीम ये कह रही है कि आप अपना जितना जल्दी हो सके हमें जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, हमें पता चला है कि आपने बताया कि कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, आपका अनुरोध देखने के लिए, हमारी मदद करने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपने हमें ये जानकारी दी है। मतलब यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम ने ये बताया कि हमें आपने ये बताया कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो आपके कुछ इस तरीके की यहाँ पर जानकारी देनी पड़ेगी जिससे हमें कन्फर्म हो सके कि हाँ ये अकाउंट जो है वो आपका ही है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको जिस जानकारी के लिए अनुरोध कर रहे हैं उसका विस्तृत स्पष्टीकरण, मतलब आप जो है किस तरीके की जो रिप्लाई है वो यहाँ पर रिप्लाई में क्या चाहते हो, मतलब किस चीज़ की आप मांग कर रहे हो इंस्टाग्राम से। तो हमें फोटोज़ वीडियोज़ और चैट्स चाहिए, तो हमें वही करना है रिप्लाई। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, आपको अपने पहले ये बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट था या नहीं था, और अगर था तो उस अकाउंट का यूज़र नेम और यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको और मोबाइल नंबर, कोई भी चीज़ दोनों में से एक दे सकते हो। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, ये टेक्स्ट है यहाँ पर, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को हमारी डिस्क्रिप्शन में से कर लेना है कॉपी। इसको आप कॉपी कैसे करोगे, आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो उसका सिंपली आपको करना है लिंक कॉपी। लिंक कॉपी करे हुए क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब, यूट्यूब सर्च करोगे उसके बाद यूट्यूब में जाकर जो हमारी लिंक है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद वीडियो के लिंक को पेस्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, इसको प्रेस करके रखोगे, ये यहाँ से दोस्तों हो जाएगा हमारा कॉपी। इसको कॉपी करोगे उसके बाद आपको आना पड़ेगा बैक, बैक आने के बाद आपको सिंपली करना है रिप्लाई पर क्लिक, रिप्लाई पर क्लिक करोगे कंपोस्ट ईमेल पर जाके इसको आपको सिंपली कर देना है पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ से करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर यूज़र नेम में जाना है, जो आपके अकाउंट का यूज़र नेम था उसको डाल दीजिए, फुल नेम में जो आपके अकाउंट का फुल नेम था उसको डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल। इतनी चीज़ डालने के बाद आपके पास अगर दोस्तों आपके अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट आपने कभी लिया होगा जो आपका अकाउंट था, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो, तो ये कर भी सकते हो दोस्तों, नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इस टैक्स को अच्छे तरीके से इसके अंदर ला के पेस्ट कर देना और जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी है उसको सबको फिल कर देना, यूज़र नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसको सेंड करने के बाद आपको दोस्तों 24 आवर्स का वेट करना है, आपके पास यहाँ पर फिर से रिप्लाई आ जाएगा इंस्टाग्राम टीम का कि आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर मेल आ जाएगा इंस्टाग्राम टीम की तरफ से 24 आवर्स के बाद, तो आपको उसका थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इजीली जो अपने सारे डाटा को जो है वो रिकवर कर सकते हो इंस्टाग्राम ऐप में अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपको जो है सबसे पहले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट डीएम आकर कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दोस्तों मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, लेकिन भाई यार सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यार सबका रिप्लाई दूंगा, दिक्कत मतलब टेंशन मतलब हर किसी का रिप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबका रिप्लाई दूंगा, जितनी भी प्रॉब्लम है सबको बताऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। दोस्तों यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेल आ रहे हैं, तो सबका रिप्लाई एक साथ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सबका रिप्लाई दूँ। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर, कोई भी क्वेश्चन आकर मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।